नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज डिक्टेशन न्यूज़पेपर डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गीता के उक्त श्लोक में यह भाव निहित है कि जब जब धर्म न्याय की हानि होती है और अधर्म अन्याय का अभ्युदय होता है, तब तब मैं न्यायकर्ता इस संसार में जन्म लेता हूँ। विराम। संत पुरुषों जनमानस की रक्षा तथा दृष्ट पुरुषों बुराइयों का नाश करता हूँ तथा धर्म न्याय की प्रत्येक युग में स्थापना करता हूँ। विराम। पैरा। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था दी है। विराम। शक्तियों का यह विभाजन स्पष्ट कर देता है कि संविधान का उद्देश्य किसी को भी असीमित अधिकार और शक्ति प्रदान करना नहीं है। पैरा। चूंकि शक्तियों की सीमा बहलता का निर्धारण ये संस्थाएं स्वयं नहीं कर सकती हैं, इसलिए शासन की प्रक्रिया में इन शक्तियों के टकराव के फलस्वरूप उठने वाले विवादों के हल के लिए निष्पक्ष संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। विराम। संसद उन्हीं राज्यों की विधानसभाएं या केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका यह काम करने में तब असमर्थ हो जाती है जब उन्हीं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। विराम। पैरा। अतः न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का दायित्व सौंपा गया है और इस प्रकार से यह संविधान की रखवाली करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से बदलती राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर देश की न्याय व्यवस्था के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। पैरा। आज न्यायपालिका सिर्फ न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं कर रही, बल्कि एक प्रशासनिक सुधारक और नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। पैरा। न्यायिक सक्रियता उस संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जिसे कार्यपालिका ने तोड़ मरोड़ दिया है। विराम। पैरा। यहाँ यह प्रश्न उठता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसमें अदालत को इतनी सक्रियता दिखानी पड़ जाती है। विराम। कार्यपालिका की बढ़ती उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। पैरा। न्यायिक सक्रियता को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। पैरा। भारत में जनहितवाद जिसे सामाजिक हितवाद की संज्ञा देते हैं के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केवल स्वेच्छाचारी शक्तियों के नियंत्रक के रूप में सामने
आया है, बल्कि सामाजिक न्याय प्रदान करने वाली संस्था का स्वरूप भी प्राप्त कर चुका है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि क्या न्यायालयी कार्यक्षमता और न्याय के मध्य अंतर स्थापित किया जा सकता है? क्या इसका अर्थ यह है कि जो प्रशासकों की दृष्टि में कार्यक्षम है वह जनता की दृष्टि से न्यायपूर्ण दिखलाई नहीं पड़ सकता? विराम, प्रशासकीय नौकरशाह कार्यक्षमता के साथ साथ तीव्रता भी चाहते हैं, क्योंकि वे कार्यों के निर्वहन अनियमितता से बचना चाहते हैं, जबकि जनता न्याय और लाभ चाहती है। इसलिए सामाजिक न्याय के विरुद्ध किसी भी पक्षपात को स्वीकार नहीं करती पैरा। भारत में कार्यपालिका एवं प्रशासन तथा जनाकांक्षाओं के मध्य उक्त दूरी ने न्यायालयों को नई भूमिकाओं को अपनाने के लिए बाध्य किया है। विराम, कमोवेश यह स्थिति सभी विकासशील देशों में पाई जाती है। यह न्यायालयों का दायित्व है कि विधि के शासन की स्थापना करें तथा इस हेतु संविधान की रक्षा एवं उसकी उचित व्याख्या करने का प्रयास करें। पैरा, भारत में न्यायपालिका के संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं शक्तियों को समझना। विराम, साथ ही 1970 के दशक में न्यायपालिका की भूमिका में आए एक महत्वपूर्ण बदलाव न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद की प्रकृति, प्रवृत्ति, आवश्यकता आदि की समीक्षा करना तथा न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद के संदर्भ में शासन के तीनों स्तंभों में समय समय पर उत्पन्न हुए विवाद एवं टकरावों तथा इनकी सीमाओं संबंधी समस्त प्रवृत्तियों, न्यायिक शक्तियों, अधिकारों आदि का शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में विवेचन करना। विराम, साथ ही सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं चिंताओं का तथ्यात्मक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण करना। विराम, पैरा, प्रस्तुत शोध में इस बात पर आधारित बल दिया जाएगा कि न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद में सामाजिक न्याय की प्राप्ति में न्यायपालिका की भूमिका को कितना आवश्यक बना दिया है। विराम, क्या न्यायपालिका को इसी प्रकार न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने एवं जनहित संबंधी मामलों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई सीमा रेखा निर्धारित की जानी चाहिए जहां तक सक्रियता की प्रवृत्ति अपनाना उचित माना जाएगा? पैरा, प्रस्तुत शोध में उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा जो न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति के साथ में ही व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका में टकराव के विषय बने हुए हैं तथा जिनको लेकर शासन के ये दोनों स्तंभ कई बार आमने सामने आ चुके हैं तथा यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति में व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका दोनों एक साझा दृष्टिकोण अपना सकें तथा अपने अपने क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन
पूरी ईमानदारी व कर्तव्य परायणता के साथ कर सकें। पैरा प्रस्तुत शोध में न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में सुनाए गए निर्णयों की सन 1990 से लेकर वर्तमान तक सुव्यवस्थित रूप से केस स्टडी की जाएगी तथा इन निर्णयों के संदर्भ में यह भी देखा जाएगा कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति में ये कितनी सफल साबित हुई है। ब्राह्म आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।